हम मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स और टूल्स डिस्कस करेंगे एक सैंपल पार्ट के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं एक सैंपल पार्ट जिस पर हम फोकस करेंगे, पर्टिकुलरली इसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स और कटिंग टूल्स पर। दाईं तरफ आप देख सकते हैं पार्ट की ड्राइंग्स एमएम और इंचेस में। मान लेते हैं कि इस पार्ट का मटेरियल है टाइटेनियम ग्रेड 5 या Ti6Al4V। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कटिंग टूल्स और कटिंग डेटा का चयन पार्ट के मटेरियल पर निर्भर करता है जिसे आप मशीन करना चाहते हैं। हम इस पार्ट को टाइटेनियम सिलिंड्रिकल स्टॉक से मशीन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के स्टॉक मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आप इन्हें किसी वेंडर से खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम एक CNC लेथ का उपयोग करेंगे पार्ट के कुछ हिस्सों को मशीन करने के लिए। आप स्टॉक और फाइनल पार्ट को स्टॉक के अंदर आउटलाइन देख सकते हैं। हम लेथ स्पिंडल चक के जॉज के साथ स्टॉक मटेरियल के लगभग 10 मिलीमीटर्स या 0.3937 इंचेस को फिक्स करेंगे। लेथ ऑपरेशन को आप दो टूल पैथ्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक फेसिंग और एक टर्निंग। आपको पार्ट के एक एंड को फ्लैट बनाना होगा। इस टूल पैथ को फेसिंग कहते हैं और फिर एक दूसरे टूल पैथ से हम चैम्फर, आउटर डायमीटर, फिलेट और वर्टिकल सर्फेस को टर्न करेंगे। मैं इस टूल पैथ को टर्निंग कहता हूँ। CNC लेथ्स के टर्रेट्स आमतौर पर एक स्पेसिफिक डायमेंशन के टर्निंग होल्डर्स एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि स्पेसर्स और अडेप्टर्स का उपयोग करके आप अलग अलग होल्डर्स भी रख सकते हैं, लेकिन इस कोर्स के पर्पस के लिए मान लेते हैं कि हमारा लेथ 25 मिलीमीटर्स बाय 25 मिलीमीटर साइज का होल्डर एक्सेप्ट करता है। सेंटर में आप केनामेटल कंपनीज कैटलॉग का एक पेज देख सकते हैं। पेज के टॉप कॉर्नर में यह दिखाता है कि इस पेज के होल्डर्स किस डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। दाईं तरफ आप इस पेज के हिस्से को और डिटेल में देख सकते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, यह होल्डर फेसिंग और टर्निंग दोनों टूल पैथ्स के लिए सूटेबल है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, CNC लेथ्स आमतौर पर लेथ हैंड होल्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए मैं इस पेज से एक लेफ्ट हैंड होल्डर चुनूंगा। तीन लेफ्ट हैंड होल्डर्स हैं जिनके क्रॉस सेक्शंस 25 मिलीमीटर्स बाय 25 मिलीमीटर्स के हैं। इस पेज पर एक इंसर्ट साइज 12 लेता है, दूसरा सेक्सटेंस और तीसरा 9। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी होल्डर्स नेगेटिव इंसर्ट्स एक्सेप्ट करते हैं जो 80 डिग्री रोम्बस या सी इंसर्ट के शेप में होते हैं। सी शेप इंसर्ट्स के लिए साइज 12 बहुत कॉमन है, इसलिए मैं पहला होल्डर चुनूंगा। मेरा मतलब है MCL 25 25 M12। मैं दो होल्डर्स लूंगा, एक रफिंग के लिए और एक फिनिशिंग के लिए। इंसर्ट्स चुनने के लिए पहले आपको जियोमेट्री या चिप ब्रेकर को सेलेक्ट करना होगा। हमारे केस में रफिंग के लिए हमारे पास बड़ा डेप्थ ऑफ कट नहीं है क्योंकि हमने स्टॉक ब्लॉक को फाइनल प्रोडक्ट डायमेंशंस के पास चुना है, इसलिए रफिंग के लिए मैं MS जियोमेट्री चुनूंगा जो मीडियम मशीनिंग जियोमेट्री है, और फिनिशिंग के लिए मैं FS जियोमेट्री चुनूंगा। अब आपको इंसर्ट ग्रेड चुनना है। यहाँ आप केनामेटल कैटलॉग का एक हिस्सा देख सकते हैं। ये टेबल दिखाती है कि डिफरेंट ग्रेड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, नेगेटिव इंसर्ट्स के लिए, टाइटेनियम मशीन करने के लिए। रफिंग के लिए मैं KCU25 और फिनिशिंग के लिए KCU10 चुनूंगा। टाइटेनियम मशीनिंग के दौरान कूलेंट का उपयोग करना चाहिए और दोनों KCU25 और KCU10 PVD कोटेड ग्रेड्स हैं, जिसका मतलब है कि मशीनिंग के दौरान कूलेंट का उपयोग करना ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब आप कूलेंट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो PVD कोटेड इंसर्ट्स चुनें, CVD वाले नहीं। ठीक है, अब हम अपनी डिस्कशन के आधार पर रफिंग और फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए इंसर्ट्स चुनेंगे। रफिंग के लिए मैं चुनूंगा CNMG 1204 MS KCU25 और फिनिशिंग के लिए मैं चुनूंगा CNGG 1204 FS KCU10। फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए बेहतर है कि आप छोटे कॉर्नर रेडियस वाले इंसर्ट चुनें क्योंकि ये कम कटिंग फोर्स जनरेट करते हैं, जिससे टॉलरेंसेस मेंटेन करने में मदद मिलती है और वाइब्रेशंस अवॉइड होते हैं। अब चलिए रफिंग और फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए कटिंग डेटा पर बात करते हैं। ये ऑपरेशंस एक CNC लेथ पर परफॉर्म की जाएंगी, इसलिए हम G96 और कॉन्स्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड का उपयोग करेंगे। साथ ही हम G995 का उपयोग करेंगे, जिसका मतलब है कि फीड को mn पर रेवोल्यूशन में डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले रफिंग के लिए यहाँ आप देख सकते हैं दो टेबल्स, बाईं ओर वाला सरफेस कटिंग स्पीड के लिए है और दाईं ओर वाला डेप्थ ऑफ कट और फीड के लिए है। दोनों टेबल्स में एक रेंज दिया गया है। इनिशियल वैल्यूज के लिए मैं आमतौर पर रेंज के बीच से एक पॉइंट चुनता हूं और इसे टेस्टिंग के द्वारा एडजस्ट करता हूं। रफिंग के लिए इंसर्ट की ज्योमेट्री MS है। मैंने इंसर्ट ज्योमेट्री रेंज के मिडिल लोअर पोर्शन में एक रेड डॉट मार्क किया है ताकि सेफ साइड पर रहें। रफिंग के लिए आप डेप्थ ऑफ कट या AP का 1 mm या अगर इंचेस का उपयोग कर रहे हैं तो 0.04 इंचेस और फीड का 0.25 मिलीमीटर्स पर रेवोल्यूशन या 0.01 इंचेस पर रेवोल्यूशन उपयोग कर सकते हैं। कैटलॉग पेज पर कुछ ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि आप आसानी से देख सकें और बाइंड टेबल से, क्योंकि हमारा रफिंग इंसर्ट ग्रेड KCU25 है, कैटलॉग ने सरफेस कटिंग स्पीड के लिए 55 मीटर्स पर मिनट या 175 फीट पर मिनट से स्टार्ट करने का सजेशन दिया है। ये रफिंग के लिए था। अब चलिए फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं। फिनिशिंग के लिए हमने FS ज्योमेट्री वाले इंसर्ट का चयन किया था और अगर मैं इस ज्योमेट्री रेंज के लोअर मिडिल पोर्शन में एक पॉइंट चुनता हूं तो सजेस्टेड डेप्थ ऑफ कट लगभग 0.4 मिलीमीटर्स या 0.016 इंचेस होगी। इसका मतलब है कि आपको रफिंग ऑपरेशन को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए लगभग 0.4 मिलीमीटर्स मटेरियल छोड़ा जाए। यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि हर इंसर्ट के लिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट की एक लिमिट होती है। दूसरी तरफ बहुत छोटे डेप्थ्स ऑफ कट से टूल वेयर हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटे डेप्थ्स पर इंसर्ट मटेरियल को काटने की बजाय उसे प्रेस और रब करता है, जिससे टूल लाइफ रिड्यूस हो सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि डेप्थ ऑफ कट को टूल मैन्युफैक्चरर के द्वारा सजेस्टेड रेंज में रखें। अब वापस कटिंग डेटा पर जो पॉइंट मैंने चुना उसके आधार पर हम फीड को 0.13 मिलीमीटर्स पर रेवोल्यूशन या 0.005 इंचेस पर रेवोल्यूशन सेट करेंगे। फिनिशिंग के लिए हमने इंसर्ट का ग्रेड KCU10 चुना है, इसलिए हमारी स्टार्टिंग सरफेस कटिंग स्पीड होगी 70 मीटर्स पर मिनट या 225 फीट पर मिनट। एंड रफिंग और फिनिशिंग दोनों ऑपरेशंस के लिए हम CNC प्रोग्राम में कांस्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड को प्रोग्राम करेंगे। अब कटिंग स्पीड्स को डिफाइन करने के लिए रफिंग और फिनिशिंग साइकिल्स के लिए CNC मशीन प्रोग्राम में हम ऐसे डिफाइन करेंगे। G96 का मतलब है कि कटिंग स्पीड कांस्टेंट है और ये S के बाद वाले नंबर को कटिंग स्पीड के रूप में लेता है। हमारे केस में रफिंग की कटिंग स्पीड होगी 55 मीटर्स पर मिनट और फिनिशिंग के लिए यह होगी 70 मीटर्स पर मिनट। M03 का मतलब है कि स्पिंडल क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सरफेस कटिंग स्पीड टूल और वर्कपीस के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है और इसे मीटर्स पर मिनट या फीट पर मिनट में रिप्रेजेंट किया जाता है। कटिंग स्पीड और RPM के बीच एक रिलेशनशिप होता है जिसे फॉर्मूला द्वारा डिफाइन किया जाता है। यहाँ आप दो फॉर्मूलाज देख सकते हैं, एक मिलीमीटर्स में कटिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा इंचेस के लिए। एक पॉइंट जो मैं कांस्टेंट कटिंग स्पीड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं वह यह है कि जब टूल वर्कपीस को टच करता है तो डायमीटर कम होने पर CNC मशीन स्पिंडल RPM इंक्रीज करता है और जब डायमीटर बढ़ता है तो RPM डिक्रीज करता है। ये कटिंग स्पीड को कांस्टेंट रखता है जिससे स्मॉल और लार्ज डायमीटर्स दोनों पर यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश मिलता है। हालांकि इमेजिन करें कि हमारे फेसिंग टूल पाथ के दौरान टूल सिलेंडर के सेंटर की तरफ मूव करता है। इस केस में कटिंग डायमीटर 0 तक पहुंच सकता है और कांस्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड को मेंटेन करने के लिए CNC मशीन स्पिंडल RPM को बढ़ा सकती है। ये हैवी पार्ट्स को मशीन करते समय अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एक्सेसिव RPM स्पिंडल बेयरिंग्स को डैमेज कर सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए प्रोग्रामर्स आमतौर पर स्पिंडल की मैक्सिमम RPM को लिमिट करते हैं G50 कोड के साथ। उदाहरण के लिए यहाँ G50 S2000 दिया गया है जो CNC कंट्रोलर को बताता है कि मैक्सिमम अलाउड स्पिंडल RPM 2000 है। टूल 0 तक पहुंच सकता है लेकिन स्पिंडल RPM 2000 से अधिक नहीं जाएगा। यह CNC प्रोग्रामिंग में एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी कंसिडरेशन है जो लेट स्पिंडल्स पर एक्सेसिव प्रेशर और डैमेज को अवॉइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हमारे लेथ मशीन पर जॉब कंप्लीट हो गया है और हम लेथ मशीन के जॉज को खोल सकते हैं और पार्ट को मिलिंग मशीन में मूव कर सकते हैं ताकि पार्ट के बैक साइड को फिनिश किया जा सके। हमारी ऑपरेशन के लिए हम एक 5 एक्सिस टेबल का उपयोग करेंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये 5-axis टेबल एक 5C कॉलेट के साथ आता है जो पार्ट को पकड़ने और होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, और आप कॉलेट हैंडल के साथ 5C कॉलेट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। आप इस 5-axis टेबल को कुछ एंगुलर मूवमेंट्स के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं B-axis को मूव करूंगा और फिर A-axis को। हम पार्ट को उस पोर्शन से फिक्स करेंगे जिसे हमने अभी लेथ में मशीन किया है, और इसे 5C कॉलेट के अंदर रखकर पार्ट के बैक साइड को मशीन करेंगे। आप यहाँ एक कैड मॉडल देख सकते हैं जिसमें 5C एक्सिस टेबल और पार्ट 5C कॉलेट द्वारा होल्ड किया हुआ है। लेथ ऑपरेशन के लिए मैंने मेट्रिक टूल्स चुने थे। मिलिंग के लिए मैं इंच टूल्स चुनूंगा कि दोनों यूनिट्स कवर हो जाएं। अगर आप स्टॉक मटेरियल के ड्राइंग और पार्ट के हेक्स पोर्शन को देखें तो आप डेप्थ ऑफ कट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 0.0984 इंचेस है। इसलिए हेक्स पोर्शन को मशीन करने के लिए हमें ऐसा टूल चुनना चाहिए जो 0.0984 इंचेस मशीन कर सके। मशीनिंग एरिया का डायमीटर डेप्थ ऑफ कट की तुलना में बड़ा है, इसलिए मैं इंसर्ट्स वाले कटर को चुनूंगा सॉलिड टूल के बजाय। अगर आपको याद हो, मैंने पहले कहा था कि सॉलिड टूल्स तब होते हैं जब हमारे पास मशीनिंग एरिया की तुलना में डेप्थ ऑफ कट बड़ी हो। हम फिर से Kennametal से अपना टूल चुनेंगे। स्टेप 1 में हम एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि क्या हमारा एप्लीकेशन फेस मिलिंग है, या हम कोई स्लॉट बनाना चाहते हैं, एनाटॉमिकल सरफेस जिसे कॉपी मिलिंग है बनाना चाहते हैं, या एक शोल्डर बनाना चाहते हैं। हमारे केस में हमें एक फ्लैट एरिया बनाना है, इसलिए हम फेस मिलिंग सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 में Kennametal सजेस्ट करता है कि आप अपने वर्कपीस मटेरियल को डिफाइन करें। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमारा मटेरियल है ग्रेड 5 टाइटेनियम या Ti6Al4V। स्टेप 3 में आपको डेप्थ ऑफ कट को डिफाइन करना होगा, जो कि हमारे केस में 0.0984 इंचेस है। स्टेप 4 में आप अपनी कटर को चुनेंगे बेस्ड ऑन आपकी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ कट और मटेरियल पर। Kennametal कैटलॉग में हर एप्लीकेशन टाइप जैसे कि फेस मिलिंग या शोल्डर मिलिंग का अपना कटर पेज होता है। उस पेज पर उस एप्लीकेशन टाइप के लिए सूटेबल कटर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। हमारा एप्लीकेशन फेस मिलिंग है, इसलिए दाईं ओर मैंने Kennametal कैटलॉग से एक पेज दिखाया है जो फेस मिलिंग के लिए सूटेबल कटर्स को दिखाता है। हर कटर के बॉक्स में मटेरियल्स के ग्रुप्स दिए गए हैं जिन्हें वह कटर पिन कर सकता है, बुलेट पॉइंट्स द्वारा इंडिकेट किया गया है। उदाहरण के लिए Dodeka Mini 45 स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सुपर अलॉयज के लिए सूटेबल है, लेकिन ये हार्डन स्टील्स को मशीन करने के लिए सूटेबल नहीं है। बाईं ओर आप कटर बॉक्स का जूम्ड इन वर्जन देख सकते हैं। हर कटर बॉक्स में मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट, एंट्रेंस एंगल और कटर के अन्य जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। पार्ट के हेक्स पोर्शन को मशीन करने के लिए मैं Dodeka Mini 45 चुनूंगा। मैंने इस कटर को इसलिए चुना क्योंकि मेरी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट 0.127 इंचेस से कम है, और इस कटर में 12 एजेस हैं, जो अच्छा है क्योंकि इससे मैं कटिंग एज को 12 बार चेंज कर सकता हूँ। साथ ही ये कटर टाइटेनियम कट करने के लिए सूटेबल है। अगर आप बॉक्स को देखें तो Dodeka Mini 45 कटर्स पेजेस S8 से S30 तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आप Kennametal रोटेटिंग टूल्स कैटलॉग के पेज S8 पर जाएं तो आपको Dodeka कटर्स की एक लिस्ट मिलेगी। टिपिकली फेस मिल डायमीटर डायगोनल एंगेजमेंट या AE के 1.2 से 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए। ड्राइंग के आधार पर हमारा डायगोनल एंगेजमेंट 0.7086 इंचेस है, इसलिए अगर मैं 1 इंच डायमीटर का कटर चुनूं तो यह सही रहेगा। तो मैं कैटलॉग से इस कटर को चुनूंगा जिसे मैंने आउटलाइन किया है। कटर कोड है KS100D। आप इसके नीचे वाले कटर को भी चुन सकते हैं जिसमें 2 इंसर्ट्स होते हैं, जबकि इसके नीचे वाले में 3 इंसर्ट्स होते हैं। इंसर्ट्स की संख्या कॉलम Z में दिखाई जाती है। इससे स्टेप 4 पूरा हो जाता है। स्टेप 5 में आप अपने कटर इंसर्ट को चुनेंगे। Kennametal कैटलॉग में हर कटर के लिए इंसर्ट सिलेक्शन गाइड टेबल होता है, जैसे कि ये वाला। ये टेबल Dodeka Mini 45 कटर्स के लिए है, और Kennametal कैटलॉग में मटेरियल्स की डेफिनेशन के अनुसार टाइटेनियम और टाइटेनियम एलॉयज S4 मटेरियल ग्रुप में आते हैं। इंसर्ट जियोमेट्रीज और ग्रेड्स को चुनने के लिए मैं आमतौर पर जनरल पर्पस मिलिंग के लिए इंटेंडेड वाले चुनता हूँ, और बाद में टेस्टिंग के आधार पर उन्हें चेंज कर सकता हूँ। वैसे कुछ टूल मैन्युफैक्चरर्स फ्री टेस्ट टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप टेस्ट के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप टूल उन्हें से खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो हमारे पहले चॉइस के रूप में हम SGD, जियोमेट्री और ग्रेड KCSM40 को चुनेंगे। KCSM40 एक PVD कोट इंसर्ट है जो कूलेंट का उपयोग करने के लिए CVD कोटिंग्स की तुलना में बेहतर है। टाइटेनियम मशीनिंग में बहुत हीट जनरेट होती है, इसलिए फायर के खतरे या पार्ट्स के टॉलरेंस से बाहर जाने से बचने के लिए मशीनिंग के दौरान कूलेंट उपयोग करना रेकमेंडेड है। स्टेप 6 में आप अपनी इंसर्ट जियोमेट्री और ग्रेड के आधार पर इंसर्ट चुनेंगे। हमारे पास इंसर्ट है HN43ANSN ग्रेड के साथ KCSM4। इस इंसर्ट को चुनकर आपने अब अपने कटर और इंसर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब कटिंग डेटा कैलकुलेट करने का टाइम है। स्टेप 7 में Kennametal सजेस्टेड फीड पर टूथ या FZ के साथ शुरू करते हैं। Kennametal इंसर्ट जियोमेट्री और कटर डायगोनल एंगेजमेंट के परसेंटेज के आधार पर फीड पर टूथ सजेस्ट करता है। स्टेप 5 में हमने इंसर्ट जियोमेट्री सेलेक्ट की थी जो SGD है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा कटर डायमीटर 1 इंच है और डायगोनल एंगेजमेंट लगभग 0.7086 इंचेस है, इसलिए एंगेजमेंट परसेंटेज लगभग 70.86% है। Kennametal सजेस्ट करता है कि लाइट मशीनिंग वैल्यू से स्टार्ट करें फीड पर टूथ के लिए। आप हमेशा टेस्टिंग के द्वारा अपने इनिशियल चॉइस को बदल सकते हैं, इसलिए हमारे पास फीड पर टूथ है 0.006 इंचेस पर टूथ। अब हम लास्ट स्टेप 8 पर मूव करेंगे। स्टेप 8 में हम सरफेस कटिंग स्पीड डिफाइन करेंगे। Kennametal ऑपरेशन टाइप, इंसर्ट ग्रेड, कूलेंट यूसेज और मटेरियल ग्रुप के आधार पर सरफेस कटिंग स्पीड्स सजेस्ट करता है। हमारा ऑपरेशन है वेट फेस मिलिंग, इंसर्ट ग्रेड है KCSM40 और पार्ट मटेरियल ग्रुप S-TOR के अनुसार है। कैटलॉग में बोल्ड फॉन्ट में वह वैल्यू होती है जिसे इनिशियल वैल्यू के रूप में यूज करना चाहिए। सरफेस कटिंग स्पीड के लिए हमारे पास है 155 फीट पर मिनट, जैसा कि रेड लाइन द्वारा मार्क किया गया है। अब हम स्पिंडल RPM कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मिलिंग मशीन्स में स्पिंडल RPM डिफाइन किया जाता है, न कि सरफेस कटिंग स्पीड। यहाँ आप फॉर्मूला और कैलकुलेशन देख सकते हैं। कैलकुलेशन के आधार पर हमारा स्पिंडल RPM है 5 of 9 a day। अब हमें फीड कैलकुलेट करनी होगी। स्टेप 7 में हमने फीड पर टूथ को 0.006 इंचेस पर टूथ निर्धारित किया था। हम ये भी जानते हैं कि हमारे चुने हुए कटर में 2 इंसर्ट्स हैं, इसलिए Z है डू। इस फॉर्मूला के आधार पर हम फीड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 7.1 फीट पर मिनट है। इसके साथ आपने अपने कटर को चुना और हेक्स पोर्शन को मशीन करने के लिए कटिंग डेटा को कैलकुलेट किया। अब चलिए हेक्स पोर्शन को मशीन करने के लिए फिक्सचर और ऑपरेशन पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, हम पार्ट को 5 एक्सिस टेबल के साथ होल्ड करेंगे। फिर हम फेस मिल को नीचे लाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे ताकि हेक्स के पहले एज को काट सकें। दाईं तरफ आप 5 एक्सिस टेबल, कटर और पार्ट को दूसरे एंगल से देख सकते हैं। पहला एज कट करने के बाद स्थिति लेफ्ट पिक्चर की तरह होगी। फिर आप CNC मशीन को प्रोग्राम कर सकते हैं कि वह B एक्सिस को लगभग 60 डिग्रीज रोटेट करे। रोटेशन के बाद कटर की एक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ आप दूसरा एज कट कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि सभी एजेस मिल नहीं हो जाते। सभी एजेस को मिल करने के बाद आपके पास पार्ट और मशीन होगा, जैसा कि लेफ्ट पिक्चर में दिखाया गया है। अब हमें A एक्सिस को 90 डिग्रीज मूव करना चाहिए और पार्ट के बैक को फेस करना चाहिए, फिर सेंट्रल होल बनाना चाहिए। अगर आप A एक्सिस को 5 एक्सिस टेबल का 90 डिग्रीज मूव करते हैं तो स्थिति राइट पिक्चर की तरह होगी। आप कटर को सही हाइट पर मूव कर सकते हैं और पार्ट के बैक को नॉमिनल साइज फेस मिल कर सकते हैं। बैक को फेस मिल करने के बाद ये टाइम है सेंट्रल होल को ड्रिल करने का। सेंट्रल होल बनाने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करूंगा। कुछ टूल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि Kennametal सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो आपको आपकी एप्लीकेशन के लिए टूल्स चुनने में मदद करते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं kennametal.com/novo। मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और हम इसे यूज़ करके ड्रिल चुनेंगे। इस बार मैं टूल को सॉफ्टवेयर का उपयोग करके चुनूंगा ताकि अलग अलग तरीकों को कवर किया सके। पहले हमने कैटलॉग का उपयोग करके टर्निंग और मिलिंग टूल्स को चुना था। अब हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ड्रिल चुनेंगे। ठीक है, अब हमने नोवो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, तो आप इस तरह का विंडो देखेंगे। ड्रिल सर्च करने के लिए मैं टूल एडवाइजर पर क्लिक करूंगा जो मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा जहां मैं होल मेकिंग टैब पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पेज पर मैं सिंपल थ्रू होल पर क्लिक करूंगा। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा। सबसे पहले मैं अपना मटेरियल चुनूंगा जो है S4 टाइटेनियम। फिर मैं होल का डायमीटर और डेप्थ एंटर करूंगा जो कि 1.811 इंचेस है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पेज पर आप होल बनाने के मेथड को चुनेंगे। मैं स्ट्रेटजी नंबर 1 ड्रिल होल पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पेज पर सॉफ्टवेयर ने जो टूल्स सेलेक्ट किए हैं वे शो होंगे। पहला टूल एक कूलेंट थ्रू टूल है जिसका मतलब है कि इसमें कूलेंट फ्लो के लिए डक्ट्स होते हैं। अगर आपकी मशीन कूलेंट थ्रू स्पिंडल सपोर्ट करती है तो आपको ये टूल यूज करना चाहिए, अन्यथा सेकंड वन इन द रो चुने। अगर आप राइट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ कटिंग डेटा दिखाई देगी। उदाहरण के लिए यहाँ रेकमेंडेड फीड दिखाई गई है जो कि 5.514 इंचेस पर मिनट है और स्पिंडल आरपीएम जो कि 1273 आरपीएम है। अगर आप टूल रो के आई आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये टूल के ड्राइंग्स और डायमेंशंस को शो करेगा। आप टूल का कैटलॉग नंबर और ऑर्डर नंबर भी देख सकते हैं। ड्रिलिंग के लिए हम Kennametal से एक ड्रिल चुनेंगे जिसका कोड है BD21ZGOA1000SGL। हम इसे 11273 RPM और 5514 in 4 इंचेस पर मिनट की फीड के साथ यूज करेंगे। इसके साथ मैं इस कोर्स को कंक्लूड करता हूँ। दुनिया के टॉप 3 कटिंग टूल मैन्युफैक्चरर्स हैं सैंडविक कोरोमेंट, Kennametal और Iscar। सैंडविक का ग्लोबल मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। वे अच्छे कार्बाइड इंसर्ट्स, कैटलॉग्स और ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। Kennametal का प्राइमरी मार्केट यूएसए में है क्योंकि ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। Iscar इजराइल में बेस्ड है और वॉरेन बफेट का इस कंपनी में सिग्निफिकेंट शेयर है। ये तीनों कंपनीज ग्लोबली मेजर प्लेयर्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लगभग एक जैसी होती है। Goering अलग अलग टाइप्स के टूल्स मैन्युफैक्चर करता है लेकिन यह अपने ड्रिल्स के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। Harvey Tools एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो माइक्रो और स्मॉल साइज टूल्स में स्पेशलाइज करती है। Emuge अपने टैप्स के लिए फेमस है जबकि Applitek एक स्विस कंपनी स्क्रू मशीन टूल्स में स्पेशलाइज करती है। Comet बहुत अच्छे ड्रिल्स विद इंसर्ट्स प्रोड्यूस करता है। कई अन्य टूल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और आपका चॉइस प्राइस, सर्विस और टूल क्वालिटी पर निर्भर कर सकता है। ये एक शॉर्ट सेक्शन था लेकिन मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट था कि मैं आपको सबसे फेमस टूल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में इन्फॉर्म करूं।